Guys, hello and welcome to Asort Fashion Star Season 1, powered by Lakme Salon, where your talent is the key. So guys, हमने पहले एपिसोड में देखा कैसे हमारी टीम्स ने हमारे फर्स्ट एवर 6 विनर्स ऑफ Asort Fashion Stars को सिलेक्ट किया. And now, the mission for their transformation will begin. But उससे पहले, it's time to know them little more. हमारे Asort Fashion Stars आते हैं कंट्री के डिफरेंट कॉर्नर से और बहुत ही जल्द वो हमारे पास पहुंचने वाले हैं. But before they start their life-changing, glamorous journey, it's time to know them more. And for that, our team will hit the road to know them in their own city. The very sweet and innocent Hilang is a big time fan of Deepika Padukone. Arunachal Pradesh ki Hilang apne sapno ko pura karne ke liye apne ghar se 1,000 miles dur Ambala mein rehti hain. हर कोई कहते हैं कि जो लड़की बच्चा है वो कुछ नहीं कर सकते, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने गांव के लिए मैं कुछ करके दिखाऊँ. गांव का लड़की है वो भी कुछ कर सकते हैं और उनका बेटी है वो कुछ कर सकती है. लांग एक ऐसे गांव से आई है जहाँ पे लड़कियों को नीचे रखा जाता है, तो अभी वो एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रही है कि मतलब कुछ मतलब जुनून हो तो कर सकते हैं. या कि लोग सिर्फ एक चीज़ समझते हैं कि हम इंडियन नहीं है, हम चाइनीज़ हैं, हर कोई कहते हैं. जब वो मुझे चाइनीज़ करके बुलाते हैं, बेसिकली मैं चाइना की नहीं हूँ या फिर मैं नेपाली नहीं हूँ करके मैं उनको मैप दिखा देते हैं इंडियन की. वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कम बोलता है बट जब बोलता है तब लाइक स्ट्रेट बोलता है. मैं फ्रेंड के साथ ऐसे बैठ रही थी तो वहाँ से अचानक कॉल आया तो मैं बहुत शौक हो गई, एक्साइटेड होकर मैंने फटक से उठ गया तो फ़ोन उठाया, हेलो यस 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 कहना शुरू कर दिया. लकी फील करती हूँ खुद को कि मैं इस सीजन का पहला विनर है. फिर मुझे नहीं पता कि क्या क्या सरप्राइज है और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. हुना मोदे, वी आर प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप. हमारे नेक्स्ट विनर को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं उनके बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, दैट ही इज अ स्टाइलिश पंजाबी बॉय हु ऑलवेज वांटेड टू बी इन द फैशन इंडस्ट्री. सभी दिक्कतों और परेशानियों को पीछे छोड़कर 24-year-old अवतार सिंह हैज रीच्ड वेयर ही ऑलवेज बिलोंग. आर 23-year-old विनर कोमल, जिनके लिए फैशन और ग्लैमर उनकी जिंदगी का एक बहुत ही मेजर पार्ट है. देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के शहर बरेली से आने वाली कोमल के लिए सक्सेस के अलग ही मायने हैं. उनका सपना है कि वो अपने शहर में मॉडलिंग और एंकरिंग का एक इंस्टीट्यूट ओपन करें, जिसकी वजह से उनके शहर की बाकी लड़कियों को भी अपना सपना पूरा करने का मौका मिले. 2013 से आफ्टर माई स्कूलिंग मैंने एंकरिंग और मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया. थोड़ी सी इमोशनल हूँ और हॉबीज एंकरिंग और एक्टिंग. शी इज ऑलवेज played a like a superstar in my life. दिल्ली में मैंने प्रेस में काम किया है और दिल्ली आज तक में सिलेक्शन हो गया था, बट थोड़े फैमिली इशूज़ की वजह से मुझे वापस आना पड़ा. बट मेरा अभी भी एम है कि एक बार और टीवी पर आना है. उसको बोला गया जॉब करो, उसने नहीं किया. वो भागी अपने मॉडलिंग की तरफ, अपनी एक्टिंग की तरफ. मुझे डर नहीं लगता है किसी से एक्सेप्ट छिपली. रास्ते में देखते थे कुछ कोई अच्छा दिखता था तो कोमल और मैं साथ में देख के एक दूसरे को कोनी मारते, देख बंदा. मुझे तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी कि मैं इवन उठ नहीं पा रही थी. मेरी मम्मा ने सबसे पहले उसे कॉल करी कि कोमल प्लीज़ तुम आ जाओ जल्दी से, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें भी बिलीव है कि वो बंदी हेल्पफुल है. सारे काफ़ी एक्साइटेड हैं कि हाँ सेलेक्ट हो गए हैं, अब फ्यूचर में क्या होना है. तो आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होना है, बट या आई एम गेसिंग कुछ अच्छा ही होगा. जो करना है अच्छे से कर, हम बोलते हैं जैसे फाड़ दे. This 22-year-old star, actor, model and bodybuilder Adarsh Jaiswal has a dream of making big in the Bollywood industry. इन्होंने पिछले 3 साल से सपनों के शहर मुंबई में बहुत स्ट्रगल किया है. एंड नाउ ही इज द विनर ऑफ Asort Fashion Star सीजन 1. The next winner of Asort Fashion Star Season 1 is none other than Mr. Adil Multani from Bhilwara, Rajasthan.
जहां मोस्टली फादर्स अपने बच्चों को अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करते हैं, वहीं आदिल के इस पोजीशन के पीछे उनके फादर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। द 21 ईयर ओल्ड यंगस्टर ऑलवेज वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल टू फॉलो देयर हार्ट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ नॉट जजिंग पीपल बाय देयर लुक्स। घर वालों का कहना था कि तू फैमिली बिजनेस ही कर, लेकिन मेरे को फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को था कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ हटके करूँ। शुरू में तो मैंने ये सोचा कि कोई अपना बिजनेस कर रही है जो मेरे साथ ही काम करे, मेरा एक लेफ्ट हैंड बने, पर अब उसकी सोच अलग है, वो ये काम नहीं करना चाहता है। तो इसको मैंने सोचा जो जो तुझे अच्छा लगे वो काम कर। मेरा जब टफ टाइम था तो मुझे उसमें इंस्पायर करने वाले थे मेरे फादर, क्योंकि बहुत कम फैमिली कंडीशन के हिसाब से बहुत कम एज में उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो आज भी काम करते हैं। फर्स्ट टाइम ही आए थे क्लास स्कूल में, तो मैंने देखा है कि इतना बड़ा बंदा कौन है, इसके डैडी भी आ रही है, सब कुछ है। तो मामा हंसने लग गए थे उसको देख के, उसका नाम भाई साहब डाल लिया था। स्कूल टाइम में भी बंक करके हम शिवाजी गार्डन ही जाते थे, वही बैठते थे और शाम को शिवाजी गार्डन घूमने जाते थे, क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ भी घूमने आती थी गाड़ियों पे, हम भी गाड़ियों पे लेके वहाँ पर घूमते रहते थे एनी टाइम। बहुत खुशी दी हो गया, मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बड़ा हूँगा, मैं तुम्हारा सब कुछ संभालूंगा, आप ही मेरे लिए आप ही हो। मेन गोल यही है कि मैं दिखा सकूँ और सक्सेस हो सकूँ, कि मेरे को देख के लोग मोटिवेट हो, मेरे को देख के कुछ करें, मुझको देख के कुछ सीखे, तो मेरे को अच्छा लगेगा। आदिल हो बेस्ट ऑफ लक, और बच्चे अच्छा करो, और हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आवर लास्ट विनर इज अंजला द्विवेदी फ्रॉम रीवा। 22 साल की अंजला का हमेशा से एक सपना था कि वो मॉडलिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए। जब उनकी फैमिली उन्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बोलती थी, वो चुपके से फैशन शोज देखा करती थी। बहुत मुश्किलों के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया, टुक पार्ट इन द कंपटीशन, और देखते ही देखते एसॉर्ट फैशन स्टार का टाइटल भी जीत लिया। हमने हमारे फैशन स्टार्स और उनके पैशन के बारे में उनसे ही नहीं पर उनके दोस्तों और परिवार वालों से भी बात की, जहां से निकल कर आई कुछ दिल को छू जाने वाली और दिलचस्प कहानियां। और इन्हीं कहानियों के साथ हमारे फैशन स्टार्स तैयार हैं आगे की जर्नी के लिए। मैं इतना तो अभी तक जानता हूं कि गाइस आने वाली जर्नी के बारे में हमारे एसॉर्ट फैशन स्टार्स को कोई आइडिया नहीं है, पर इस बात की श्योरिटी हम आपको देना चाहते हैं कि आने वाला सफर विल बी फुल ऑफ ग्लैमर एंड सरप्राइजेस, जिसकी वजह से इन फैशन स्टार्स की जिंदगी और करियर दोनों बदलने वाले हैं। So stay tuned for episode 3 of Asort Fashion Stars season 1, जहां हमारे fashion stars आएंगे दिलवालों के शहर दिल्ली, और जहां इनकी stardom की एक नई journey की नई शुरुआत होगी।